तो फाइनली इस तरह से देखिए हमारा बोट आगे बढ़ चुका है जो इलेक्ट्रिक बोट है। अब हम क्या करते हैं इसमें हम बैठ के देखते देखते किस टाइप से ये काम करते हैं। हेलो, वेलकम टू लर्न विद एक्सपेरिमेंट, मैं हूँ सौरभ। तो आज के एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि 775 मोटर की मदद से एक हम इलेक्ट्रिक बोट बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ये बनने वाला किस टाइप से काम करता है। तो यही एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप हमारे वीडियो का आखिरी तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस 775 मोटर को वाटर प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम दो ट्यूब लगा देते हैं, एक इस टाइप से यहाँ पे और दूसरा जो है इस पुल्ली के बगल से ना इसमें पानी चला जाए। तो इसके लिए देखिए बहुत छोटा सा होल करके लगाए हैं, तो दोनों को हम अच्छे से चिपका लेते हैं। तो दोस्तों अब इसको क्या करते हैं, अच्छे से टेप लगा इसको वाटर प्रूफ कर देते हैं चारों साइड से भी। तो दोस्तों लगभग में ये मेरा बोट बनके तैयार हो चुका है, जो इलेक्ट्रिक बोट बनाई। देखिए चारों बगल से कुछ इस टाइप से देखिए दिखता है। यहाँ पे देखिए प्रोपेलर लगा दिए हैं और इसका जो टोटल कनेक्शन है स्विच का वो देखिए हम यहाँ लगा दिए हैं क्रॉस करके। ये तो देखिए स्विच यूज के इसमें क्या फंक्शन है कि क्रॉस करके जैसे इसको लगाए हैं कि एक ही बटन जब मोटर आगे भी चलेगा और पीछे भी, मीन्स अब जो ये मेरा इस बार जो बोट बना है इसको आगे भी चला सकते हैं पीछे भी एक स्विच से। तो दोस्तों बोट का सारा कनेक्शन हो चुका है, आखिरी का कनेक्शन में क्या करेंगे कि इस दो बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और इस बार जो 775 मोटर को चलाएंगे उसको 24 वोल्ट पे चलाएंगे। तो दोनों बैटरी को हम सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं अच्छे से। तो ये बैटरी का कनेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए प्रोपेलर का रोटेशन किस साइड में होता है, जैसे देखिए इसको हम टिपते हैं ये राइट साइड, तो देखिए किस प्रकार इसका डायरेक्शन रहता है। और दोस्तों साउंड से आप पता कर ही सकते हैं कितना स्पीड में नाच रहा है ये 24 वोल्ट पे। और जैसे इसको लेफ्ट साइड कर देते उसका रोटेशन किस टाइप से चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होगा, एक बार आगे जाएगा ना और एक बार पीछे जाएगा जैसे इसका हम रोटेशन चेंज करते हैं। तो फाइनली बारी आ गई, इसको हम पानी में टेस्ट करते हैं। तो सीट के नीचे इस बैटरी को अच्छे से बांध देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं पूरी तरह से। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है टेस्टिंग की, जिसको हम अच्छे से पानी में ले चलते हैं और देखते हैं क्या इसका परफॉर्मेंस होता है। इसको हम लेफ्ट साइड दबाते हैं तो देखिए ये पीछे एक और हमारा जो बोट चल चुका है। तो देखिए वहाँ कुछ बच चुका है, तब हम क्या कहते हैं आगे की ओर इसको ले चलते हैं। पास में काफ़ी ज़्यादा जंगल है तो प्रोपेलर से पहले जंगल को हटा देते, थोड़ा सा इसमें लपटा गया है। थोड़ा सा इसको गहरे पानी में ले चलता है। अब इसको क्या कहते हैं राइट साइड इसको हम दबाते हैं, देखते हैं ये आप किधर जाती है। तो फाइनली इस तरह से देखिए हमारा बोट आगे बढ़ चुका है जो इलेक्ट्रिक बोट है। अब हम क्या करते हैं इसमें हम बैठ के देखते देखते किस टाइप से ये काम करते हैं। जब इसमें बैठ जाते हैं तो कितना स्पीड की हमको आगे ले जाती है। इसको बंद कर दो बोट को वहीं पे। तो दोस्तों आप देख ही लिए किस प्रकार से इलेक्ट्रिक बोट काम कर रही है। तो हम क्या करते इसमें बैठ के देखते क्या इसका परफॉर्मेंस होता है। तो दोस्तों आप देख ही चुके हैं इस पर हम बैठ चुके हैं, अब देखते हैं इसको स्टार्ट करके ये कैसे आगे ले चलती है। तो देखिए इंजन स्टार्ट हो चुका है और ये काफ़ी धीरे धीरे हमको आगे बढ़ा रही है। तो हालांकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो थोड़ी देर में ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, तो देखते हैं कितना स्पीड पे जाती है मैक्सिमम ये। तो दोस्तों इस बार जो हम बोट डिज़ाइन किए थे 24 वोल्ट पे चलने के लिए डिज़ाइन किए थे, पर ये जो 775 मोटर है ज़्यादा लोड पे 24 वोल्ट पे चलाती है, पूरा हीट होकर इसके अंदर का कॉइल जल चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि 775 मोटर को चेंज कर देते हैं और यहाँ दूसरा 775 मोटर लगा देते हैं और इस बार क्या करेंगे 12 वोल्ट पे ही चलाएंगे, क्योंकि जैसे 24 वोल्ट पे ज़्यादा लोड देते हैं तो ओवर हीट के कारण इसका अंदर का कॉइल मेल्ट हो जाता है।